शुरू करेंगे। ठीक ठीक है, ठीक है। और ज्यादा आवाज नहीं करते, हम लोग शुरू करेंगे फ्लावरिंग वाले पार्ट। मतलब चैप्टर का नाम क्या है इसका? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग पार्ट। इस चैप्टर से हम शुरू करेंगे और चलते चलते, ठीक है। फ्लावर का स्ट्रक्चर आप सभी को आता है ना? तो फ्लावर की एक सिंपल से स्ट्रक्चर की तरफ अगर मैं जाऊं तो उसमें क्या क्या होगा? सिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, और साथ में यहाँ पर क्या लगे होंगे? एंथर एंड फिलामेंट, ठीक है। इस पार्ट को क्या बोलेंगे? कैलेक्स। और ऊपर वाले पार्ट को? कोई दिक्कत इसमें? कैलेक्स और कोरोला। कैलेक्स का दूसरा नाम क्या है? सेपल। और कोरोला का दूसरा नाम क्या है? पेटल। पेटल, ठीक है। विच वन इज कलरफुल? पेटल। पेटल क्यों कलर होता है बेटा इसका? टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटर। इधर सीधा क्या बोलेंगे? पॉलिनेटर। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट पे चलें। मेल पार्ट का नाम क्या होगा? एंड्रोशियम। क्या बोलेंगे इसे? एंड्रोशियम या स्टैमन। स्टैमन का अपर पार्ट क्या होता है? एंथर। और नीचे वाला पार्ट? फिलाम। यही होता है। फीमेल पार्ट का नाम क्या होता है? गायनोशियम। गायनोशियम का दूसरा नाम? पिस्टल। इसी को ही बोलते हैं ना। और अपर पार्ट को क्या बोलेंगे? स्टिग्मा। उससे नीचे स्टाइल, और उससे नीचे ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। कोई दिक्कत? ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल। ओव्यूल होता है। ओव्यूल क्या बनाता है बेटा? सीड। सीड। और ओवरी क्या बनाती है? सीड। कोड। कौन है यार लड़की चलावा? सीड कौन बनाता है? ओव्यूल। और सीड कोड कौन बनाता है? ओवरी। जिसके पास ओवरी नहीं वो क्या नहीं बना पाएगा? सीड कोड। और वो किसके अंडर आते हैं? दे हैव नेकेड सीड्स। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि जो एंथर के पास क्या बनेगा, क्या बनेंगे पोलन। एंथर के पास क्या बनेंगे? पोलन ग्रेन्स। वो कैसे बनेंगे? ठीक, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोलन ग्रेन यहाँ पर कैसे बनेंगे। देन हम पढ़ेंगे ओव्यूल क्या होता है और इसमें किस तरह से एक्सेल फॉर्मेशन होती है। देन फाइनली हम पढ़ेंगे कि पोलन ग्रेन एक्सेल तक कैसे पहुंचते हैं। एंड देन एंडिंग हो जाएगी इस चैप्टर की वहां पर। समझ में आती है मेरी बात? तो इस पूरे चैप्टर में पहले तो हम गैमेट फॉर्मेशन पढ़ेंगे। गैमेट फॉर्मेशन इन केस ऑफ मेल, गैमेट फॉर्मेशन इन केस ऑफ फीमेल पास, करेक्ट। दोनों अगर एक ही फ्लावर में होंगे तो किस टाइप का फ्लावर होगा? बायसेक्सुअल। अलग अलग होंगे तो यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का एग्जाम्पल जैसे पपाया है ना। पपाया क्या होता है? यूनिसेक्सुअल। बात समझ में आ रही? ठीक, चले आगे। तो हम बात करते हैं किसकी? एंथर। अच्छा, एंथर के अंदर क्या है बेटा? सबसे पहले तो एंथर की मॉर्फोलॉजी समझ लेते हैं जरा, है ना। एंथर दिखता कैसा है? ठीक है, तो एंथर कैसा दिखता है? अगर जैसे अभी मैंने स्ट्रक्चर बनाया था कुछ इस तरह से बनाया था, तो एंथर भी कुछ ऐसे दिखता है, राइट। तो एक्चुअली इसके लोब्स होते हैं। क्या होते हैं? लोब्स। अब अगर मैं तुम्हें बताऊं तो मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, जैसे ये पेज है। अब इस पेज में मैं इसे ऐसे पलटूंगा, या कोई खाली पेज है? दो सेपरेटेड पेजेस है कोई? हाँ देना, ऐसे खाली पेज देना कोई मुझे, ऐसे एक और चाहिए। नहीं बड़े पेज है। हाँ ऐसे, हाँ बस ठीक है, एक ही हो गया। जैसे मान लो ये पेज है, मैं इसको इस तरह से फोल्ड करता हूँ, है ना। तो मैं जब इसे फोल्ड करूंगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, राइट? ऐसा दिख रहा है ना? और अगर मैं इसे भी मान लो फोल्ड करता हूं इसी तरह से, ये भी ऐसे मैंने फोल्ड कर, राइट, एक जैसे फोल्डेड है,
इन दोनों को मैंने ऑपोजिट साइड पे जोड़ लिया। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। किसका स्ट्रक्चर बनेगा ये? एंथर का स्ट्रक्चर। अगर अब आप इसे ऊपर से देखोगे तो आपको एक लोब, सेकंड इसको क्या बोलते हैं बेटा, थिक्का, क्या बोलते हैं इसे, तो लोब हुआ एक पूरा लोब और ये किए लोब हो गया, तो कितने लोब है, एंथर इज बाय लोब है कि नहीं है। तो एक लोब के पास कितने थिक्का है, दो, तो दो लोब के पास कितने हैं, चार, तो एंथर इज टेट्रा थिक्कस और वन लोब इज डाय थिक्कस। पूरी बात समझ में? अच्छा एक और चीज, एक्चुअली ये ऐसे ही है जैसे मैंने ये दिखाया ना, तो इसके अंदर यहाँ भी क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन, यहाँ भी क्या बनेंगे, पोलन, यहाँ भी पोलन ग्रेन, यहाँ भी और यहाँ भी पोलन ग्रेन। तो अब जब उन्हें बाहर निकलना है तो वो कैसे निकलेंगे देखना, इस तरह से बाहर को निकलेगा। तो किस लाइन से बाहर निकला, यहाँ पे ये जो लाइन, दिस लाइन इज नोन एज लाइन ऑफ डिहाइड्रेशन। तो ये लाइन जब सूख जाएगी, अब पोलन ग्रेन में तो वाटर होगा ना, प्लांट है, जब ये सूखेगा तो ये क्या करेगा, रप्चर करेगा, रप्चर करेगा तो बाहर की तरफ सारे पोलन ग्रेन निकाल, ये इस तरह से निकालेगा, वो इस तरह से निकालेगा। बात समझ में आ रही है? तो दैट इज लाइन ऑफ डिहाइड्रेशन, फ्रॉम वेयर द क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन या रीज ऑफ पोलन ग्रेन। क्लियर है? तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं जरा। तो सबसे पहला पॉइंट जो आप लिखोगे, दैट इज पोलन ग्रेन आर, पोलन ग्रेन आर बाय लोब, पहली चीज, एंथर इज बाय लोब एंड ईच लोब कंटेन टू थिक्का, सो दे दैट मींस दे आर डाइथिक्का। क्या क्या लिखो, क्या ईच पोलन, सॉरी ईच एंथर इज अ बाय लोब and each lobe contain two thicca, that means they are dithicca। बात समझ में आ रही है? हो जाएगा? ठीक है। प्लस टू वाले असाइनमेंट भी लेंगे आज मुझसे फिर इस चैप्टर की, है ना? ठीक है, एक असाइनमेंट करनी है उसके बाद दस दे दूंगा। ठीक, कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक? ठीक है, तो ये समझ में आता है। उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, दैट मीन्स anthers are bilobed, anthers क्या होते हैं, bilobed, and each lobe contain two thicca, therefore they are dithicca। क्या बोलेंगे इन्हें? तो अगर मैं पूरे anther की बात करूं तो पूरा anther क्या है, tetrathicca। कैसा है? तो सीधी सीधी मुद्दे की बात पे आते हैं, कहां पर आते हैं, मुद्दे की बात। ठीक है, तो सीधा सीधा हम क्या पढ़ते हैं, pollen grain की formation। pollen grain है क्या बेटा ये? It is a type of gamete। क्या है ये? गैमेट है ना, गैमेट फॉर्मेशन पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, और हमें मालूम है गैमेट क्या होते हैं, थोड़ा सा हम पीछे चलेंगे, गैमेट क्या होते हैं, हैप्लॉइड क्या होते हैं, किससे बनते हैं बेटा गैमेट, किससे बनते हैं गैमेट, जर्म सेल से। तो जर्म सेल क्या बनाता है, गैमेट, क्या बनाता है, जर्म सेल। तो जर्म सेल के पास क्या प्लॉयडी होती है, होता है जर्म सेल की प्लॉयडी क्या होती है बेटा, 2n, क्या होती है, 2n माने डिप्लॉयड होती है ना, बात समझ में आई। तो गैमेट की क्या प्लॉयडी होती है, n नंबर और हैप्लॉयड होती है कि नहीं होती है। तो अपने को वही पढ़ने का है कि किस तरह से ये गैमेट बने, किस तरह से ये डिप्लॉयड हैप्लॉयड में कन्वर्ट हुआ और क्या प्रोसेस है। बात समझ में, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है और बड़ा इजी भी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ जर्म सेल, किसकी बात करता हूँ, जर्म सेल। तो क्योंकि यहाँ पर हम क्या बनाने जा रहे हैं, गैमेट्स, और गैमेट्स गैमेट्स है क्या, दीज आर पोलन, क्या है बेटा ये, इनको हम एक और नाम से बुलाते हैं, किसका, माइक्रो, किस नाम से बुलाते हैं, माइक्रो। आई बात समझ? तो पोलन ग्रेन्स को बनाने वाले जर्म सेल है, तो उनका नाम है किसी हिसाब से रख देते हैं, तो हम किस नाम से, तो हम इनको बोल सकते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, कुछ भी बोल रहे हो मतलब, है ना, जो मन में आ रहा है बस बोल दे। क्या बोलेंगे इन्हें हम, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माने एमएमसीसी।
हम प्रेफर क्या बोलना करते हैं इनको? पोलन मदर सेल, पीएमसी। ऐसा क्यों? क्योंकि 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 शाबाश, ऐसा क्यों? क्योंकि फीमेल में भी मेगास्पोर मदर सेल होता है, तो वहां भी एमएमसी, यहां भी एमएमसी, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम इसको नाम दे देते हैं पोलन मदर सेल। बोलो, बात समझ में? कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, तो यहां तक समझ में आया। तो पोलन मदर सेल फाइनली क्या बनाएंगे बेटा? पोलन ग्रेन्स बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? ठीक है, और जो पोलन ग्रेन्स बनेंगे ये क्या है? गैमेट्स है, जो कहां जाएंगे? फीमेल के पास। एंड देन एग सेल के साथ फर्टिलाइज करके क्या बना देंगे? न्यू सीड बना देंगे, जो फाइनली चल के क्या बनाएगा? प्लांट बनाएगा। बात समझ में आ रही? ठीक है, तो अब हम शुरू करेंगे इसकी मॉर्फोलॉजी को पढ़ना। तो सबसे पहले हम आउटर स्ट्रक्चर से शुरू करेंगे, राइट और रॉन्ग? ठीक है, चलो। ठीक है, तो हम बात करते हैं कहां से। मान लो ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना बेटा, कुछ ऐसा, ऐसे, ऐसे, राइट? कहां से देखा जा रहा है इस स्ट्रक्चर को? सामने से। मैंने ऐसे करके दिखाया था ना, तो सामने से ऐसे दिख रहे थे, है ना? तो मतलब ये वाला उधर को खुलेगा और ये वाला इधर को खुलेगा, राइट? तो लाइन ऑफ डिस्टेंस ये वाली है, अगर इसको लॉन्गिट्यूडनल देखो पीछे की तरफ को, राइट? समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बाहर कौन सी लेयर होगी बेटा? एपिडर्मिस। सबसे बाहर कौन सी लेयर होगी? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, तो बाकी को हम मिटा देते हैं, हम सिर्फ लेयर्स बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे बाहर है हमारी एपिडर्मिस, ये आ गई एपिडर्मिस, दिस वन इज एपिडर्मिस, सिंगल लेयर होगी, राइट? इसके बाद कौन सी लेयर्स आएंगी? एंडो, इसके नीचे आ जाएगी एंडो, ये भी कितनी लेयर्ड है? सिंगल लेयर। समझ में आई बात? देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ सिंगल लेयर और डबल लेयर यहाँ पे क्यों मैं मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि ये जरूरी है। हो सकता है आने वाली कोई लेयर सिंगल लेयर ना, बात समझ में आ रही? और क्वेश्चन भी उसी पर आता है, तो इसीलिए हमें ये मेंशन करना बहुत जरूरी है कि कौन सिंगल है और कौन डबल है, क्लियर? इसके आगे क्या आएगा बेटा? मिडल लेयर। तो मिडल लेयर क्या है? डबल, है कि नहीं है? तो मिडल लेयर को अपन इस तरह से बनाएंगे, शाबाश, बनाओ जल्दी जल्दी, तो बना रहे हैं। तो दिस वन इज मिडल लेयर, कोई दिक्कत? कितने लेयर है ये? डबल। समझ में आई मेरी बात? कोई प्रॉब्लम इससे? ठीक है, अब इसके अंदर क्या आएगा? कैपिटम। तो कैपिटम वाले सेल्स क्या होंगे? बड़े बड़े होंगे, बड़े बड़े। ऐसा क्यों? मल्टी या बाय? दे आर बाय न्यूक्लियट। नाम क्या है बेटा इनका? कैपिटम। इनके पास प्रोटोप्लाज्म क्या है? डेंस प्रोटोप्लाज्म। क्या बोल सकते हैं बेटा? हाँ, दे हैव डेंस प्रोटोप्लाज्म, दे आर बाय न्यूक्लियस, मींस कितने न्यूक्लियस है? दो न्यूक्लियस, राइट? तो ऐसा है क्यों? इनके इनको ऐसी स्पेशल पावर क्यों है? बिकॉज देयर पावर इज टू नरिश द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। बात समझ में आई? तो जो डेवलप हो रहे होंगे ना अंदर पोलन ग्रेन्स, उनको नरिशमेंट देने का काम कौन करेगा? बात समझ में? इसीलिए इनके पास प्रोटोप्लाज्म भी ज्यादा है, न्यूक्लियस भी दो है, राइट? ताकि ये क्या कर सके? उसे नरिश करने में हेल्प कर सके। तो टैपेटम का काम क्या है? नरिशमेंट का काम। क्या काम है बेटा? नरिशमेंट, नरिशमेंट का काम है। बोलो, बात समझ में? अब बेटा इसके अंदर कौन से सेल होंगे श्रुति? एपिडर्मिस के अंदर वाली साइड, पीएमसी, है ना? दैट इज पोलन मदर सेल, जिनको हम क्या बोलते हैं? जर्म सेल। वेरी गुड, क्या बोलते हैं इन्हें हम? जर्म सेल। दे आर पीएमसी, पोलन मदर सेल।
या इन्हीं को ही हम किस नाम से बुलाते हैं, जर्म सेल के नाम से बुलाते हैं। क्लियर, समझ में आया, कोई दिक्कत यहां तक? तो अब जरा शुरू करते हैं इससे बनने का प्रोसेस, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोट्यूब। क्लियर, तो अब आ जाओ जरा, इसको भी कंप्लीट करेंगे, इसको भी यहीं तक छोड़ेंगे, इसको अभी तक अभी यहीं तक रखेंगे। इसके आगे वाला स्टेप देखो क्या करना है। तो मान लो ये वो सेल है जिसका नाम है पोलन मदर सेल, है कि नहीं है दीक्षिता? बेटा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इस पे? मियोसिस होगी। क्या होगी? जर्म सेल में क्या होती है? मियोसिस। सोमेटिक सेल में क्या होती है? माइटोसिस। प्रतिभा, कोई ऐसा केस है जहां पे सोमेटिक सेल में मियोसिस हो? कोई है ऐसा केस? शाबाश, सोचो सोचो, जहां सोमेटिक सेल में भी मियोसिस। देखो, बॉडी इज मेड अप ऑफ टू काइंड ऑफ सेल, फर्स्ट वन इज सोमेटिक, सेकंड वन इज सोमेटिक सेल फॉर्म होल बॉडी एंड जर्म सेल फॉर्म गैमेट्स। सो माइटोसिस विल टेक प्लेस इन सोमेटिक सेल एंड जर्म सेल में क्या होती है बेटा? सिंपल सा कांसेप्ट है ना, मियोसिस कैसी डिवीजन? रिडक्शनल। क्या चीज रिड्यूस होती है? कितना रिड्यूस होता है? हाफ होता है। माने 46 से कितना होता है? 23। अगर मैं किसकी बात कर रहा हूं, 2n से कितना होता है? 10। और 23 पेयर से 23, डिप्लॉइड से डिप्लॉइड। क्लियर है ना यहां तक? सोमेटिक सेल में सेम रहता। तो कहीं पर कोई ऐसा केस है जहां पर सोमेटिक सेल में मियोसिस होती है? बताओ। स्टेम सेल। अच्छा, चलो ये क्वेश्चन लिखो जो कल ढूंढ के आएंगे सारे। क्वेश्चन क्या है? इज देयर एनी केस वेयर सोमेटिक सेल अंडरगो मियोसिस? Is there any case where somatic cell undergo meiosis? और ये तुम पढ़ चुके हो कि ऐसा होता भी है तो कहां पर होता है और क्यों होता है, right? Undergo meiosis, बोला ना? चलो ठीक है, आ जाओ तो। अब आ जाओ यहां पर। तो ये क्या है बेटा? मियोसिस पीएमसी है, दैट इज पोलन मदर सेल। कौन सी होगी इसमें? मियोसिस वन। क्या होगी? कितने सेल बनेंगे? दो। तो ये दो, इसमें डिवीजन तो होगी लेकिन वो भी सेल साथ में रहेंगे, तो इस तरह से ये सेल बन जाएगा। एक सेल ऐसे और दूसरा सेल बन गया, बन गए दो सेल। कोई दिक्कत इस तरह? इनको हम किस नाम से बुलाएंगे? डायाड। किस नाम से बुलाएंगे? डायाड। ठीक, अब इसमें क्या? अच्छा, एक चीज और बताओ मुझे, पीएमसी में क्रोमोसोम नंबर कितना होगा? मतलब इसका क्रोमोसोम नंबर कितना होगा? क्या प्लॉयडी होगी? डिप्लॉयड या हैप्लॉयड? निहारिका जी, शाबाश, कोशिश करो। जतिन साहब, हैप्लॉयड। आप बताओ, कशिश? हैप्लॉयड। वर्षिका जी, इट इज डिप्लॉयड। क्या होगा बेटा ये? देखो, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, क्या कहा था? क्या कहा था बोलो, शाबाश, कि एक फौजी सिलेक्ट हो गया और एक नहीं, ठीक है? लेकिन अभी दोनों में ज्यादा फर्क है क्योंकि वो सिर्फ सिलेक्ट हुआ, ट्रेनिंग थोड़ी ना हुई है। समझ आई बात? दोनों को काम अलग मिल चुका है, सोमेटिक सेल का अलग काम है, ये जर्म सेल का अलग काम, लेकिन अभी तक ये ट्रेनिंग नहीं हुई है, है ना? अभी उसको बंदूक लेके बॉर्डर पे तो नहीं भेजेंगे, राइट? क्योंकि उसको आती ही नहीं है चलानी, क्लियर है? तो अभी वो दोनों सेम है, तो अभी सोमेटिक सेल और जर्म सेल के पास प्लॉयडी अंटिल और अनलेस दे अंडरगो मियोसिस। समझ में आ रही है बात? मियोसिस के बाद जो डायड बनेंगे, इनकी प्लॉयडी क्या होगी? एन एन टू एन, एन एन टू एन, पहले भी
ठीक है, तो क्या होगी ये n नंबर, why because meiosis one is reductional division. बोलो बात समझ में, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, पक्का, ठीक है. अब आ जाओ सेकंड, तो यहाँ पर हो जाएगी बेटा meiosis two. आप बताओ मुझे दीक्षिता, meiosis two कैसी होती है? That is equational. माने क्रोमोसोम नंबर अब कैसा रहेगा? सेम रहेगा. तो meiosis two कैसी होती है? Equational. करेक्ट. क्या चीज इक्वल रहती है? क्रोमोसोम नंबर. अब दो से कितने सेल बन जाएंगे? चार. कुछ इस तरह से, ठीक है. और चारों कैसे हैं बेटा? और इसको हम क्या बोलेंगे? टेट्राड. क्या बोलेंगे इसे हम? टेट्राड. बोलो बात समझ में, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, तो ये हो गए मियोसिस टू. क्लियर. एंड देन क्या होगा? अब ये मैच्योर होंगे. क्या होंगे? मैच्योर. अभी ये क्या बने? टेट्राड की फॉर्म में है. चारों क्या है? बिल्कुल पोलन ग्रेन से पहले वाली स्टेज पे पहुंच चुके हैं, राइट? या हम इनको प्री मैच्योर पोलन ग्रेन भी बोल सकते हैं अभी, राइट? अभी इसके बाद का स्टेप क्या होगा? चारों में अलग अलग होगा, ठीक है. इसमें अलग होगा, उसमें भी सेम स्टेप होगा, लेकिन होगा अलग, क्योंकि चार बनेंगे ना. एक जर्म सेल से कितने पोलन ग्रेन बने बेटा? फोर पोलन. बोलो बने कि नहीं बने? कोई दिक्कत है इसमें? पक्का, ठीक है. एक से चार बने, दस से कितने बनेंगे? और सौ से? बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है, भूलोगे तो नहीं, ठीक, भूलना नहीं है. तो यहां तक समझ में है? कोई प्रॉब्लम? अभी बेटा ये मैच्योर होने जाएगा, तो सबसे पहले क्या होता है? शाबाश, डिवीजन होगी. कौन सी डिवीजन होगी आप बताओ श्रुति? सबसे पहले कौन सी डिवीजन होगी इसमें? हाँ जी भाई साहब, सबसे पहले डिवीजन होगी ना. कौन सी डिवीजन होगी? पहले क्या होगी? माइटोसिस. क्या होगी बेटा? माइटोसिस होगी. यहाँ पे एक सिंगल जो पोलन ग्रेन है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा. अपर पार्ट को बोलेंगे वेजिटेटिव सेल, और नीचे वाले पार्ट को बोलेंगे जनरेटिव सेल. बोलो बात समझ में. वेजिटेटिव सेल की प्लोरिटी कितनी होगी निहारिका? शाबाश शाबाश, देखो पार्ट अभी अभी बताया है. इसका पेरेंट देखो कितनी प्लोरिटी है. एंड और माइटोसिस कैसी डिवीजन होती है? इक्वेशनल. क्रोमोसोम नंबर रहता है सेम, तो दोनों सेल की प्लोरिटी क्या होगी? एन. सेम ही रहेगा. तो वेजिटेटिव सेल भी कितना रहेगा? एन नंबर. और जनरेटिव सेल भी रहेगा? बोलो बात समझ में, कोई दिक्कत इसमें? पक्का, ठीक है. आगे चलते हैं, चले आगे. ठीक, अभी क्या होगा? देखो, हम ये बात कौन से प्लांट्स की कर रहे हैं, इसका आंसर मुझे श्रुति बताएगी. बेटा किन प्लांट्स की बात हो रही है? श्रुति नहीं, आयुष. किन प्लांट्स? वही पूछ रहा हूँ, किन प्लांट्स की बात हो रही है? बायसेक्शुअल. किन प्लांट्स की बात हो रही है? बायसेक्शुअल. आप बताओ किन प्लांट्स की बात हो रही है? बायसेक्शुअल. क्यों? यूनिसेक्शुअल में ये नहीं हो सकता? हो सकता है. तो फिर तो तुम बायसेक्शुअल क्यों बोल रहे हो? उनमें दोनों होगा ना फिर. आप बताओ किन की बात हो रही है ये? आप बताओ प्रियंका जी. एंजियोस्पर्म. अरे भाई, एंजियोस्पर्म के पास फ्लावर होते हैं. जिम्नोस्पर्म के पास फ्लावर होते हैं. ब्रायोफाइट्स के पास होते हैं. पेरिडोफाइट्स के पास होते हैं. तो किसकी बात हो रही है? एंजियोस्पर्म आर फ्लावर बियरिंग प्लांट, राइट? यही है वंशिका, यही है ना बेटा? तो फिर जल्दी से बताओ कौन से इरा में डोमिनेंट थे ये? क्या हुआ पता नहीं? पीलियोज़ोइक. ये कौन सा? पीलियोज़ोइक. कौन सी इरा में थे? सीनोज़ोइक इरा में डोमिनेंट. और इसी डोमिनेंट स्टेज में कौन से रेप्टाइल, कौन से एनिमल्स डोमिनेंट थे? हाँ,
ना अभी एवोल्यूशन में। तो फिर याद नहीं किया किसका राज चलता है? चलता तो इनडायरेक्टली हमारा ही और डायरेक्टली भी हमारा ही चलता है ना। हम किसके अंदर आते हैं? मैमल्स। आई बात समझ? क्यों आते हैं मैमल्स के अंदर? आते कैसे आप बताओ भाई साहब। ओके वर्टिब्रल कॉलम होता है, वर्टिब्रेट्स होते हैं। तो व्हाई मैमल्स? बिकॉज़ वी हैव मैमरी ग्लैंड्स बेटा, दैट्स व्हाई द नेम इज मैमल्स। इनको सत्य का ज्ञान आ गया, इसीलिए मुझे मैमल कहा जा रहा था। ये होता है ऐसे आदिक बात समझ में। सो वी आर मैमल्स व्हाई? बिकॉज़ वी हैव मैमरी ग्लैंड्स। यहाँ तक समझ में आया? तो क्या हो गई बेटा? माइटोसिस हो गई, दो बने जनरेटिव और मेटाफेज। तो कितने परसेंट एंजियोस्पर्म इसी फॉर्म में शेड कर देंगे? 60% एंजियोस्पर्म, जितने भी एंजियोस्पर्म की स्पीशीज है ना बेटा, उसमें से अरे 60% एंजियोस्पर्म अपने पोलन ग्रेन शेड कर देंगे, रिलीज कर देंगे। कितनी सेल स्टेज में? टू सेल स्टेज। इसको हम क्या बोलेंगे? टू सेल स्टेज। बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो बाकी के कितने बचे बेटा? 50% कितने बचे? 40% बचे है ना। 40% कितने में रिलीज करेंगे? इसमें फिर से क्या होगी? लेकिन किसमें होगी? जनरेटिव सेल। तो यहाँ पे एक वेजिटेटिव सेल और दो क्या हो जाएंगे? हो जाएंगे जाते हैं बेटा। इन दोनों जनरेटिव सेल की प्रायोरिटी क्या होगी? एनएन या टू एन? एनएन होगी। और वेजिटेटिव सेल की? एन। सबकी प्रायोरिटी क्या होगी? क्योंकि माइटोसिस हो रही है ना बेटा। ठीक है, तो 40% किसमें रिलीज करेंगे अपने पोलन ग्रेन्स को? थ्री सेल। इसका नाम होगा थ्री सेल्ड स्टेज। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? है कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम इसमें? पक्का? ठीक है। तो यहाँ देखो, ये क्या थे? पोलन मदर सेल थे। आगे चल के इस सारे प्रोसेस के थ्रू एंड में क्या बना देंगे? पोलर ग्रीन। सारे ये मिलके क्या बनाएंगे? पोलर ग्रीन। तो अगर मैं पीएमसी का प्रोडक्ट यहाँ लिखूं तो क्या लिखूंगा? पोलर ग्रीन की लिखूं, इसकी लिखूंगा एन। बोलो बात समझ में? अच्छा जी, अब बताओ मुस्कान, टेपटम की प्रोडक्ट क्या होगी बेटा? हाँ, आप बताओ। हाँ जी, हाँ हाँ बोलो बोलो। कितने होने चाहिए यार? दे आर बाय One nucleus contain how many fluid? How many chromosome? Two will contain. Four. बात कर ला। क्या हो गया? ऐसा तो हमने सोचा नहीं था। ऐसा सोचना पड़ेगा। ऐसा सोचा ना हमने। सोचा कि एनी है ना। वो तो हमने सोचा नहीं था।
न्यूक्लियस है ना बेटा उसके पास, लॉजिकली इट हैज टू न्यूक्लियस, तो एक न्यूक्लियस के पास टू एन, तो दो के पास फोर एन। बोलो बात समझ में? टेपटम की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? फोर एन होनी चाहिए, बाय न्यूक्लियस अगर। अब आते हैं मिडल लेयर की तरफ, मिडल लेयर की प्रायोरिटी क्या होगी? टू एन होगी, और एंडोथीसियम की भी टू एन, और एपिडर्मिस की भी टू एन। बोलो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम बेटा? पक्का समझ आए? ठीक है, बाकी अपने नोट्स आपने पीपीटी से भी बना लेने हैं, भेज दूंगा मैं ग्रुप में, है ना, या आप लोगों को भेज दूंगा। ठीक है, तो वहां पे ये दिया है, और बैठ के बनाना और पढ़ना जरा इसको कि क्या क्या दिया है। चलो फिर इससे आगे बढ़ते हैं, तो निकालना है तू ही दे दिया था हमारे पास। इसका आउटर स्ट्रक्चर कुछ ऐसा, इनर स्ट्रक्चर कुछ ऐसा। आउटर इज मेड अप ऑफ एक्साइन, एक्साइन बोलते हैं ना इसे, इट इज मेड अप ऑफ पोलोपोलेन, पोलोपोलेन। Our inner structure is? Interline. It is made up of? Cellulose plus? Pectin. Pectin. Cellulose and cellulose. Pectin. That's cellulose and pectin. So, pectin and cellulose. But cellulose kya actually? Homopolysaccharide. And pectin kya hai? Hydropolysaccharide. सेलुलोज कैन बी डाइजेस्टेड विद सेलुलोज, पेक्टिन विद डाइजेस्टेड विद पेक्टिन, स्पोरोपोलिनिन विद डाइजेस्टेड विद स्पोरोपोलिनिन। नो एंजाइम, नो एंजाइम कैन डाइजेस्ट स्पोरोपोलिनिन। आई बात समझ? दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ स्पोरोपोलिनिन, इसीलिए तो पोलन ग्रेन कई कई सालों, हजारों सालों तक जिंदा रहते हैं। वायबल बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे? वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन। बात समझ में आई? क्या बोला जाता है बेटा? वायबिलिटी क्या होती है? इट इज द एबिलिटी ऑफ अ पोलन ग्रेन टू रिमेन अनडाइजेस्टेड, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ पोलन ग्रेन टू रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव। जो पोलन ग्रेन रहते हैं दैट इज वायबिलिटी, माने वो तब तक क्या कर सकते हैं? जर्मिनेट कर सकते हैं ना। तो जैसे उनकी वायबिलिटी सबकी अलग अलग होती है, जैसे राइस के प्लांट की कितनी होती है? 30 मिनट। चलो लिखो, एक होमवर्क लिखो करके, किन्हीं 5 ऐसे सीड की वायबिलिटी लिख के आओगे आप, जो डेली यूज में यूज होते हैं, राइट? उनका ड्यूरेशन कितना है, वायबिलिटी कितनी है? जैसे मैंने कहा ना, कुछ की कई हजारों सालों तक होती है, कुछ की कुछ मिनटों तक भी होती है ना? तो आप क्या लिख के आओगे? कुछ कोई ऐसे 5 वायबल पोलन ग्रेन, है ना, जो भी यूज करते हैं, जो डेली यूज में कोई भी फसल का ले लेना, जो भी तुम्हें मिल जाए, है ना, कोई भी। आई बात समझ में? तो बेटा आउटर लेयर का नाम क्या है? एक्साइन, मेड अप ऑफ पोरोपोलिन, which cannot be digested, cannot be breakdown by any kind of enzyme, right or wrong? ठीक है, इसके अंदर वाली लेयर इंटाइन, इंटाइन is made up of cellulose and pectin, cellulose कैसा polysaccharide है? Homo, और pectin? Hetero, right? Clear है यहाँ तक? अब बात करते हैं आगे। इसके अंदर क्या है बेटा? इस वक्त एक है वेजिटेटिव सेल जिनकी प्लॉयडी n है, दो है मान लो जनरेटिव सेल जिनकी प्लॉयडी भी n है, n है। कोई दिक्कत है यहां तक? यही पढ़ा हमने अभी तक, पक्का? ठीक है, इसमें एक पोर भी होगा बेटा, एक पोर होगा जिसको हम क्या बोलेंगे? जर्म। ये पोर होता है कि जब ये जाए किसके पास? फीमेल फ्लावर स्ट्रक्चर दैट इज
स्टिग्मा साइलेंट होगा तो कहां जाएगा सबसे पहले? स्टिग्मा। तो अगर स्टिग्मा और इसके बीच कम्युनिकेशन सही रहा, ठीक है, सही स्टिग्मा के ऊपर जाके गया, तो स्टिग्मा के पास ये क्या रिलीज करेगा? अपने अंदर का सारा मटेरियल। तो ये किसके थ्रू निकलेगा? पोलन ट्यूब। जाम पोर के थ्रू निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ पोलन ट्यूब। बात समझ में? इन द फॉर्म ऑफ पोलन ट्यूब निकलता है कि नहीं निकलता है? चलो ममता जी आप बताओ मुझे, द मूवमेंट ऑफ पोलन ट्यूब इज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक या नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक? फिफ्थ ऑप्शन कौन है? सिक्स्थ ऑप्शन था ना, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। सेवंथ ऑप्शन था क्या? इट इज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, माने अर्थ की तरफ जाती है, नीचे की तरफ आती है, राइट और रॉन्ग? समझ में बात? तो क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है? द मूवमेंट ऑफ पोलन ट्यूब इज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। बात समझ में? तो ये हमेशा याद रखना है, क्लियर है यहाँ तक? समझ में आया बेटा? ठीक, कुछ और है? अच्छा, आगे ये प्रिजर्व वगैरह करने का है ना, ठीक। तो ये क्लियर हुआ बेटा यहाँ तक? अब ये हमें क्या करना है, आपको घर जाना है और इसको यहाँ तक पढ़ के आना है, ठीक है? अच्छा, दूसरी बात, इसका और यूज क्या होता है? तो जैसे बी पोलन, पोलन ग्रेन को इकट्ठा करके उसको दवाइयों के फॉर्म में पेश, बिकॉज इट हैज न्यूट्रिशनल वैल्यू, राइट? बहुत ज्यादा है, तो इसको बाजार में ऐसे छोटी छोटी गोलियों के रूप में खाने में दे दिया जा सकता है, राइट और रॉन्ग? ठीक बेटा, तो इसमें अलग अलग टाइप के इसके स्ट्रक्चर होते हैं। वायबिलिटी के बारे में मैंने आपसे बात करी, एक क्रायो प्रिजर्वेशन आता है, दैट मींस हम पोलन ग्रेन को प्रिजर्व रखते हैं इन -196 डिग्री सेल्सियस इनसाइड लिक्विड नाइट्रोजन। दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रायो प्रिजर्वेशन। पूरा याद रहेगा? कोई दिक्कत इसमें? ठीक, हो गया। अभी इसमें और चीजें क्या दी हैं? और है कुछ दिया हुआ? यही है मेरे ख्याल में। वायबिलिटी दी है, मैंने कहा है तुमसे पढ़ के आनी है, समझा भी दिया है मैंने कि ये देखो मेटाबॉलिकली एक्टिव होने का मतलब क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, उसके लिए पता होना चाहिए। क्या होता है मेटाबॉलिज्म? मेरे शरीर में कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, दैट इज मेटाबॉलिज्म। अब उसमें वो कैटाबॉलिज्म भी हो सकता है या एनाबॉलिज्म होता है चीजों का बनना, और कैटाबॉलिज्म होता है चीजों का। मान लो सन से क्या लेते हैं लाइट एनर्जी? कौन लेते हैं? हम खाया तो मेरी बॉडी में वो टूटा, फिर से किसमें टूट गया? सेल के अंदर गया, ग्लूकोज वहां पे जाके टूटेगा किस साइकिल के थ्रू? क्रैब्स साइकिल। किस साइकिल के थ्रू टूटेगा? बेटा आप बताओ, ग्लूकोज सेल के पास जाएगा तो सबसे पहले टूटेगा किस साइकिल के थ्रू? बोलो शाबाश, इट इज ग्लाइकोलिसिस। तो कहां पर होती है? साइटोप्लाज्म होती है। तो ग्लूकोज जब सेल के अंदर जाता है तो सबसे पहले क्या होती है? ग्लाइकोलिसिस टूटता है, उसका जो बाय प्रोडक्ट बनता है वो जाता है टीसीए साइकिल, क्रैब साइकिल, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जिसका दूसरा नाम है ना। वहां पे जो भी टूटता है, जैसे भी टूटता है, फिर वहां पे एनर्जी के पैकेट्स बनते हैं, कुछ ग्लाइकोलिसिस में बने होते हैं, और वो सारे पैकेट कहां जाते हैं? एटीएस। टीसीए और एटीएस कहां होती है सेल? कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया। प्लास्टिड में क्या होता है वंशिका? ठीक है, कहां पर होती है ये? माइटोकॉन्ड्रिया। बात समझ में? इस तरह से वो रिएक्शन होते हैं
चीजें टूटती हैं तो हमें क्या मिलती है? एनर्जी. दैट मींस वी आर मेटाबॉलिकली एक्टिव. जब तक बॉडी में एनर्जी बनेगी वी आर मेटाबॉलिकली एक्टिव. और दिस इज द पिक्यूलियर और एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. अगर हमें पता करना है ना कौन लिविंग है कौन नॉन लिविंग है, तो हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि कौन मेटाबॉलिकली एक्टिव है, मतलब किसमें एनर्जी बन रही है. बात समझ में आ रही है? ठीक है, यहां तक ठीक है. तो वैसे ही ये करते हैं पोलन. ये क्या करते हैं, ये अगर इनको काफी इनके लिए अनफेवरेबल कंडीशन है. कैसी कंडीशन है? ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन दे अंडरगो क्या हम बोल सकते हैं, दे स्लो डाउन देयर मेटाबॉलिकल रेट. तो देखो हर सीड के पास फूड होता है बेटा, फूड होता है ना सीड इन द फॉर्म ऑफ एंडोस्पर्म. आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में. एंडोस्पर्म की फूड फॉर्म में क्या होता है? फूड. तो एंडोस्पर्म में फूड तो लिमिटेड है ना, सीड का शेप किस पे डिपेंड करता है कितना फूड है. अब वो फूड अगर वो दो दिन में खत्म कर देगा तो तीसरे दिन अगर फेवरेबल कंडीशन ना मिली तो गया. वायबिलिटी कितने दिन की हुई? दो दिन की. अगर वो फूड 20 दिनों तक चला रहा है तो वायबिलिटी कितने दिनों की? 20 दिन. अगर वही फूड उसने 1000 साल चलाना है तो वायबिलिटी कितने साल? लेकिन अब वो फूड 1000 साल चलेगा कैसे? वो क्या करेगा, अपने मेटाबॉलिकल रेट को बहुत ज्यादा स्लो करेगा, 1 एटीपी बनाएगा 10-15 सालों में और उसको खर्च करेगा अगले 10-15 सालों. आई बात समझ में? तभी तो जिंदा रहेगा ना हजार सालों तक या लाखों सालों तक. आई बात समझ में? तो मेटाबॉलिक रेट को ये क्या कर देते हैं, पोलन ग्रेन बहुत ज्यादा स्लो करते हैं. दैट्स हाउ दे सरवाइव फॉर मेनी 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 इयर्स. पूरा बात समझ में? कल हम शुरू करेंगे क्या क्या करेंगे? फीमेल मेगास्पोर. किसको क्या बोला हमने? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. अच्छा एक और चीज़ बता, वो भी याद रखना. ग्रुप ऑफ सेल्स जिनका सेम फंक्शन हो उनको हम क्या बोलते हैं? टिश्यू. यही डेफिनेशन पढ़ी है हमने बचपन से. टिश्यू की क्या पढ़ी है? ग्रुप ऑफ सेल्स व्हिच आर परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन इज नोन एज टिश्यू. तो यहाँ पर देखो अंदर ये सारे क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, पोलन मदर सेल है कि नहीं है? बहुत सारे होंगे ना, एक ही थोड़ा ना, तो बहुत सारे मिलके अंदर एक छोटा सा टिश्यू बनाएंगे, जर्म सेल का टिश्यू, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पोरोजेनस टिश्यू या माइक्रोस्पोरोजेनस टिश्यू. बात समझ में? क्या बोलते हैं? स्पोरोजेनस टिश्यू. क्यों? क्योंकि ये क्या बना रहे हैं? माइक्रोस्पोर. सिंपल सी बात. आई बात समझ? और जो एक पूरा का पूरा थिक्का था उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, क्योंकि उसके अंदर क्या बन रहे हैं? माइक्रोस्पोर. कितने माइक्रोस्पोरेंजियम हैं? चार. आई बात समझ? 1, 2, 3, 4. अंदर डेप्टम के अंदर वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे? स्पोरोजेनस टिश्यू, क्योंकि वहां पर क्या प्रेजेंट है? जर्म. क्या बना रहे हैं? माइक्रोस्पोर. क्लियर है यहां तक? तो इसको पढ़ के आना है अच्छे से, है ना, क्योंकि तभी समझ में आएंगी चीज, राइट? ठीक. वो सर बताओ ना, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, नहीं मिलता एनिमल में, देख लेना क्या बताएंगे. ठीक है, चलो आज के लिए काफी है. तुम्हारा केमिस्ट्री में क्या चला हुआ है?